आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यूपी प्लस योगी यूपी के लिए उपयोगी। साल था 2017 जब दो चौंकाने वाले दृश्य सामने आए। पहला था यूपी के चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत, बीजेपी ने सपा के किले को ध्वस्त कर दिया। और जो हैरानी भरा दूसरा फैसला सामने आया था वो था देश के सबसे बड़े सूबे की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपना। किसी ने सोचा तक नहीं था कि योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बना दिया जाएगा। सोच के विपरीत हुआ ये काम और वाकई में योगी यूपी के लिए उपयोगी साबित हुए। उन्होंने पहले कहा था कि गर्मी निकाल दूंगा और फिर कहा मिट्टी में मिला दूंगा और दोनों ही काम करके भी दिखाए। कानून का भय हर उस व्यक्ति के मन में होना चाहिए जो सुरक्षा के लिए खतरा है। 80% बीजेपी के साथ होगा, 20% हमेशा विरोध करता है, विरोध करेगा। नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। हम बेटियों की सुरक्षा को लेकर के एंटी रोमो स्क्वाड से लेकर के आज मिशन शक्ति के थर्ड फेज तक, यूपी पुलिस में 1947 से 2017 तक जितने महिला पुलिस कार्मिक थे, इन 5 वर्षों में उससे 3 गुना ज्यादा आज के दिन पे कार्यरत हैं। योगी ने प्रदेश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और बताया कि ये प्रदेश जैसे पहले चलता था अब वैसे नहीं चलेगा। अब ना यहाँ सरिया चलेगा और ना ही माफियागिरी चलेगी। आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना? मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए। और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा ना जाति, न मत, न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। जैसे योगी ने उत्तर प्रदेश के हालात बदले हैं, उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि योगी ने जो कहा था वो करके भी दिखाया है। फिलहाल योगी अतीक पर खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से योगी ने गर्मी शांत करने वाला बयान दिया है। अतीक हत्याकांड के बाद योगी ने ताबड़तोड़ मीटिंग की और अतीक हत्याकांड की जांच के आदेश दिए गए। हालांकि वो अभी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर से योगी ने शामली की धरती से माफियाओं की गर्मी निकालने की बात कही है। आप भी देखिए, आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना? मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए। और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा ना जाति, न मत, न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि माता बहनों को, हर एक को अपनी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था और तब भी मैंने कहा था माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए, 10 मार्च 2022। मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी, वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी।
झंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं, कोई उनके लिए दो बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। आज केराना में देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, जब हमारा व्यापारी वापस आ गया व्यापार कर रहा है। कांधला में देख करके मुझे प्रसन्नता होती है, जब वहां पर फिर से रौनक दिखाई दे रही है, सामली की रौनक, ओन की रौनक, एलम की रौनक, चयोर, और उससे साथ साथ जब यहां की बेटियों को मैं अपने ही मां बाप के संरक्षण में अपने ही घर और गांव के स्कूल में पढ़ते हुए देखता हूं, मुझे लगता है हमारा सत्ता में आना सार्थक हुआ। जब हम लोग देखते हैं हमारा व्यापारी भाई सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित हैं, अन्नदाता किसान जो भीषण गर्मी में भी अपना पसीना बहा करके अन्न उत्पादन करता है, लेकिन जब इससे पहले अपने खेत में जाता था तो उसका इंजन चोरी हो जाता था। आज तो चोरी नहीं हो रहा है ना, अब तो हमने तय किया है, अब तो हमने तय किया है कि निजी नलकूप वाले हर किसान को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाएंगे। एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, इसकी घोषणा कर देंगे, लागू हो गई योजना। भाइयों बहनों, आप याद करिए, ये जाति के नाम पर जो राजनीति करते थे कहां चले गए थे? तब किसी गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो नहीं मिलता था, किसी गरीब को शौचालय नहीं मिलता था, किसी गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, किसी गरीब को फ्री में बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता था, किसी व्यक्ति को आयुष्मान भारत जैसी योजना का 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं मिलता था। न किसान सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित, ऐसी जिंदगी का मतलब क्या था? लेकिन आपने जब कहा कि न जातिवाद के आधार पर नहीं, हम तो राष्ट्रवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, तो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को बदलने में देर नहीं लगी है। ये लोग तोड़ने वाले लोग थे, ये तोड़ने वाले जाति के नाम पर तोड़ते थे और उसके बाद सत्ता में आकर के लूटते थे, नोचते थे, गरीब का पैसा खा जाते थे। और यहां पर पिछले 3 सालों से आप देख रहे होंगे, कोरोना कालखंड मार्च 2020 से आज केराना में देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, जब हमारा व्यापारी वापस आ गया व्यापार कर रहा है।